हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वो आपके बारे में क्या सोचती है, वो आपको किस नज़र से देखती है, ठीक है, और उनकी नज़र में आप क्या हो, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कांटेक्ट में हैं, इन कांटेक्ट में है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट डजेंट मैटर, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती नहीं भी हो सकती, बट मोस्ट प्रोबेबली ये मोस्टली लोगों के साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। तो हाई वाइब्रेशंस में ये रीडिंग्स बनाई जाती है, सो दैट बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि आज क्या उनकी फीलिंग्स निकलती हैं और वो आपको किस नज़र से आपके पार्टनर देखते हैं। आप नो कांटेक्ट में हैं, इन कांटेक्ट में हैं, इट डजेंट मैटर, एंड इफ़ यू आर सिंगल तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को माइंड में रख के ये रीडिंग को देख सकते हो। ओके ओके जी, वर्ल्ड वर्ल्ड कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड। जी गाइज, आपके जो पर्सन है ना, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर काफ़ी चांसेस है, कुछ लोगों के केसेस में यहाँ तो अब्रॉड से हैं, दूसरे कंट्री से, या आप लोग के वो आपको लेकर के फॉरेन कंट्री में लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। उनकी आपके लिए फीलिंग्स ये है, आप को लेकर जैसे ये पर्सन है बोट में बैठा है और ये जा रहा है, ठीक है, शायद आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के कोई ट्रबल है, कोई रुकावट है, या कोई मसला है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली इशू है, तो वो इस सबको ख़त्म करके ये पर्सन आपको आगे लेकर के जाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे मसलों को भाड़ में डाल के इंसान चाहते हैं आपको ले कर ये चले जाएँ कहीं ना कहीं, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड में ये पर्सन आपको अपनी दुनिया समझते हैं, आपको अपना जीवन समझते हैं, ठीक है, आपको पसंद ये बहुत करते हैं, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कार्ड है, दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आप उनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, मे बी आप काफ़ी उनको अच्छे मशवरे देती हैं, उनको काफ़ी अच्छी सजेशंस देती हो, या उनको आपके माइंड एबिलिटीज़ बहुत पसंद है, आपका माइंड इस तरह वर्क करता है, जो जो आप बातें करती हैं वो नोटिस करते हैं छुपके छुपके, ठीक है। लेकिन गाइज, ये पर्सन है ना अभी बहुत बर्डन में है, अभी डिसीजन लेना चाहते हैं आपको ले करके, वो आगे जाना चाहते हैं, वो मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अगर आपका रिश्ता अभी सिर्फ रिलेशनशिप की हद तक है एंड कोई उन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दी, तो ये पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट जो है ना, उन्होंने अभी तक आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दी, तो ये अब आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये शादी की तरफ जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे आपसे पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड में अभी इंसान शक्ति में आ गया है, पहले हो सकता है पॉसिबल था ये भगोड़ा था, मतलब ये भागता था आपसे, आपको नहीं देता था कोई कमिटमेंट, लेकिन अब ये आपको कमिटमेंट देगा, ये इसने स्ट्रेंथ कर ली है हासिल, ठीक है। लेकिन यह टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अभी भी बहुत ये इंसान ये बर्डन में है, और आप तो इनके लिए इनकी पूरी दुनिया हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें इनको मन की शांति मिलती है, इनको शक्ति मिलती है, इनको आपसे बात करते हुए बहुत शांति मिलती है, ठीक है। बरा थोड़े इनके और इमोशंस देखें हम, ये इंसान क्या चाहता है, मतलब क्या सोच रहा है अभी। गिल्ट, इसको कोई गिल्ट है, मे बी इनसे कुछ गलती हुई है, या इन्होंने कुछ चीट वगैरह किया आपके पीछे, या घर वालों को नहीं मना पाई, बहरहाल कोई गिल्ट है इनको, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा अभी ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ है, वो जो मर्जी सोचे लेकिन ग्रोथ तो है, क्योंकि उनकी जो है ना इंटेंशंस प्योर है, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है तो कोई आपको जो है नहीं हिला सकता, सही है ना। ग्रेटिट्यूड, इज़ ग्रेटफुल टू हैव यू, वो आपको लेकर के काफ़ी ग्रेटफुल है, उनको ऐसे लगता है कि मैं आपके साथ अगर वो उनकी लाइफ गुजरी
तो उसमें बहुत ग्रोथ होगी, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होंगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी, बहुत ज़्यादा मज़ा होगा। ठीक है, बिटर स्वीट। ठीक है, ये पर्सन मतलब काफ़ी प्रॉब्लम में है, बट बिटर स्वीट के साथ ये मतलब खुश भी हैं आपको लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं उदास भी हैं। यहाँ पर काफ़ी उदासी की आ रही है, शायद आप नो कांटेक्ट में हैं इसलिए आपको याद करके वो उदास होते हैं। तो कुछ ऐसे हैं सिस्टम, इम्पार्शियलिटी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को छोड़कर वो एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, वो इम्पार्शल होकर सोचना चाहते हैं आपको इस मतलब इस सिचुएशन को वो बिल्कुल ना इम्पार्शल होकर, मतलब किसी के साइड लिए बगैर वो चाहते हैं। मे बी उनको फैमिली प्रेशर आ रहा है, कोई घर वाले उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस सिचुएशन को इम्पार्शली लेकर चलूँगा एंड मैं मतलब किसी की बात मैं नहीं सुनने वाला। गाइस कुछ और देखिए कार्ड आपके लिए, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी। देखिए मेरी बात सुने, आप उनके साथ अपना बिहेव ठीक ही रखें। ठीक है, हो सकता है कि उनका कोई ज़्यादा इशू चल रहा है, आपने उनको गुस्सा नहीं दिखाना क्योंकि ये चीज़ उनको फ्रस्ट्रेट कर देगी, और अगर आप भी उनको अपने तेवर दिखाएंगे तो ठीक है ना। वेडिंग, ठीक है, वेडिंग तो आपसे करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, क्योंकि हम फीलिंग्स पे रीडिंग देख रहे थे तो ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं। गृहस्थी का कार्ड तो आ गया जी। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, आपको अगर देर हो गई है काफ़ी तो इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन ऐसा सोचता कि अगर देर हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन जब वो एक दफ़ा ही आएगी तो वो सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगी। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, बेबी को रिलीजन का मसला है, कम्युनिटी का, कास्ट का मसला है, वो ये सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग, मे बी इनको कोई एडिक्शन है, या मे बी मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ कोई मदर इश्यूज़ हैं या कोई फैमिली प्रॉब्लम है। तो बहरहाल ये पर्सन आपको ही अपनी शक्ति मानते हैं। ठीक है, इनको इस बात से कोई नहीं है कि क्या है या क्या नहीं, आपको तो अपनी शक्ति मानते हैं। ठीक है, ज़रा हम यहाँ से देखें, कंसीडर योर फाउंडेशन, आपके लिए ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से, क्या आप अपनी नींव पर तवज्जो दीजिए, आप अपनी फाउंडेशन को देखें। आपकी अगर प्यार सच्चा है, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। ठीक है ना, आपको अगर अपनी मोहब्बत पर भरोसा है तो सब कुछ पॉसिबल है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, आपके हर तरफ मोहब्बत है, प्यार है। ठीक है, आपने हार्ट चक्रा पे लगता काम किया, या आप अपना बहुत लविंग से पर्सन हो इसलिए लव आपकी तरफ आना चाहता है। अब ये पर्सन आ रहा या नहीं आ रहा, लव इज़ अनदर एंटिटी, लव एक और चीज़ होती है, इट्स सेल्फ एक चीज़ है, मोहब्बत अब आपकी तरफ आना चाहिए। अब वो किस सूरत में भी आए ये एक अलहदा बात है। ठीक है ना, लव हु यू आर, जो हो अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं, जो हो वो हो, सही है ना। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, ये पर्सन हो सकता है आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, या मे बी आपको सरप्राइज़ करना चाह रहा है, मे बी ही वॉन्ट्स टू गिव यू सम गिफ्ट, प्रपोजल भी दे आ सकता है क्योंकि वेडिंग का कार्ड था, मे बी आपको गुड न्यूज़ ये जान बहुत जल्द है। ठीक है, और देखेंगे, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ असेंशियल, आप बहुत थक गए हो भाग भाग के इनके पीछे। ठीक है, आप रिलैक्स करें, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, स्लो डाउन गाइस, कोई एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, ये पर्सन आएगा, या अगर नहीं है कांटेक्ट में नहीं है आपके तो ये पर्सन आएगा, बिकॉज ये बर्डन का कार्ड था ना, ये 10 of Wands का। आप थोड़ी सी उनकी भी सिचुएशन समझें, अगर आप लड़की हैं लड़कों के लिए देखें, लड़के अपनी सारी बात स्पेशली कोई बर्डन हो ना तो वो शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं, लड़कियाँ बताती हैं
कॉल खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे तो वो सबको बताएंगी ये हुआ ये हुआ। लड़के नहीं बताते, शेयर नहीं करते, वो चुप हो जाते हैं। अगला समझता है पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे बातें छुपा रहा है ये, को बहुत ही नहीं तो बड़ा खुश है। नहीं, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश परस्पेक्टिव। आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सोचें, ठीक है? अगर आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सोचेंगे, पॉजिटिव परस्पेक्टिव से सोचेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव ही हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है? तो ये थी रीडिंग जी आपकी, आई होप आपको पसंद आई है। तो इस प्यारे मैसेज के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू।